बेशर्मी तेरा ही आसरा, यही है अरविंद केजरीवाल का नारा। कभी वाल्मीकि समाज और मुसलमान समाज को आपस में भिड़ाने की कोशिश करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और आज तो हद ही कर दी। कहते हैं अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हो गई तो यूपी और बिहार के लोगों को अपने अपने शहर वापस जाना पड़ेगा। अरे भाई, एनआरसी का मतलब समझते हैं आप? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में, दिल्ली में जो भी घुसपैठी हैं, यानी जो रोहिंग्याज हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो ज़बरदस्ती हमारे देश में घुस आए हैं और संस्थानों पर जबरन हक जमा कर बैठे हैं, उन्हें अपने वापस देश भेजना। ना कि ये मतलब है कि हम जो हिंदुस्तानी हैं वो अपने अपने शहर चले जाएं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी रह सकता है। ये मेरे देश का हक है, ये मेरे देश के संविधान ने मुझे हक दिया है। पर आप क्या जाने देश क्या होता है? आप तो उन लोगों का समर्थन करते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़रा शर्म करिए अरविंद केजरीवाल जी, और देश को टुकड़ों में बांटने का काम छोड़ दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होने का काम आप नहीं निभा पाए हैं, इसलिए ऐसा दिन दूर नहीं है जब बीच सड़क पर जनता आपको लेकर जाएगी और फिर आपको ऐसी तौहीन करेगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी।